हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओडिशा में होने वाली इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में, कब से कब तक ये भर्ती कंडक्ट की जाने वाली है, कैसे आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये भर्ती है एआरओ गोपालपुर की। भर्ती शुरू होगी 20 अक्टूबर से और चलेगी 26 अक्टूबर 2019 तक। अब जितने भी ओडिशा के कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं। ओडिशा की कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पार्ट ले सकती हैं इसमें। उन डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको नाम बताऊँ तो गंजम, गजापति, कंधामल, बौद्ध, मलकांगिरी, नवा रंगपुर, रयागड़ा, कलाहंदी, नौपादा और कोरापुत, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो हैं इस रैली में पार्ट ले सकते हैं और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिलअप कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in पे, और इसके लिए अप्लाई करना शुरू होगा 21 अगस्त से और 4 अक्टूबर 2019 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, एडमिट कार्ड आपको आपकी ईमेल पे भेजे जाएंगे 5 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर 2019 के बीच में। और जो भर्ती होगी, भर्ती का वेन्यू रहेगा स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड बीजू पटनायक ऑडिटोरियम ऑफ बिरहामपुर यूनिवर्सिटी, बिरहाम, गंजम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में। तो ये इसका वेन्यू है जहाँ पे फिज़िकल जो है इसका कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भर्ती होगी सोल्जर जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए और ट्रेडमैन के लिए। एज की बात करें, जीडी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच में। बाकी जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 23 साल के बीच में। हाइट की बात करें, जीडी के लिए आपकी हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर, 50 kg वेट एंड 77 सेंटीमीटर चेस्ट, और यही सेम फिज़िकल रिक्वायरमेंट चाहिए टेक्निकल के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। क्लर्क के लिए बात करें तो क्लर्क के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, 50 kg वेट और 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ट्रेडमैन की बात करें तो 169 सेंटीमीटर हाइट, 48 kg वेट एंड 76 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो जीडी के लिए आप 10th पास होने चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। नेक्स्ट टेक्निकल की बात करें तो 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ, मिनिमम 50% टोटल मार्क्स 10+2 में होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए टोटल +2 में और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स। अब क्लर्क की बात करें तो 10+2 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी में भी पास होना चाहिए, टोटल 60% मिनिमम मार्क्स जो हैं 10+2 में होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स। और मैथ्स या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीन में से कोई एक सब्जेक्ट 10+2 में पढ़ा होना चाहिए। ट्रेडमैन की बात करें तो एक 10th पास बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एक 8th पास बेस पे। 10th पास के लिए सिंपल 10th पास होनी चाहिए और 8th पास बेस पे आपकी सिंपल 8th पास होनी चाहिए। तो ये था डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ST ऑफ ऑथराइज्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए हाइट बोली गई है 162 सेंटीमीटर, वेट 48 kg एंड 77 सेंटीमीटर चेस्ट, और जितने भी गोरखाज हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 48 kg वेट होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स में किनको दिया जाएगा, तो जितने भी रिलेशन कैंडिडेट्स हैं उनको 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। स्पोर्ट्समैन के लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन है, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में है और 5 kg वेट रिलैक्स जो है वो किया जाएगा। बात करेंगे सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें सबसे पहले होता है आपका फिजिकल। फिजिकल में 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होती है। बीम्स होते हैं
मिनिमम 6 पुलअप्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, मैक्सिमम 10 करने होते हैं, फिर 9 फीट डिच होता है एंड देन जिगजैग बैलेंस होता है। ये होता है आपका फिज़िकल टेस्ट, फिज़िकल के बाद फिज़िकल मेजरमेंट्स होते हैं, फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट और लास्ट स्टेज में होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो यह है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको फ़िज़िकल के टाइम कौन कौन से लेके आने हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ उनकी ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ आपको 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी लानी है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें है एडमिट कार्ड लेके आना है, फ़ोटोग्राफ की 20 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन, स्कूल कैरेक्टर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी वालों के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एफिडेविट 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे टाइप करवा के लाना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और पैन कार्ड आधार कार्ड को साथ में लेके आना है। तो ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको फिज़िकल के टाइम जहाँ पर आपका फिज़िकल कंडक्ट होगा वहाँ पर आपको शो करने पड़ेंगे और सबमिट उनकी कॉपीज़ करवानी पड़ेंगी। तो ये था गाइस आज की वीडियो में, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।